हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, इस वाले वीडियो में हम आपके साथ सीए इंटर ईआई सिस्टम का जो पहला जो हमने जो एमसीक्यूज का जो एमटीपी मतलब अपलोड किया था आपके लिए, उसका डियर हम आपके साथ मतलब सॉल्यूशन कर रहे हैं। सो आई होप आप सब बच्चों ने इस वाले एमटीपी को डाउनलोड कर लिया है और उसका प्रिंट आउट करा के आपने उसको सॉल्व किया होगा। तो फिर आपको बस एक काम करना है, इस वाले वीडियो को ध्यान से देखना है और साथ में अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है। ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं बनाएंगे ताकि आपके लिए ज़्यादा समय इसमें ना लगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें मतलब 30 मार्क्स का एमसीक्यू है और आपको कुल मिला के 30 मिनट अलाउड हैं, इसमें अलॉटेड हैं। तो फिर हम एक एक करके शुरू करते हैं। सेक्शन ए, ईआईएस, टोटल 15 मार्क्स। ओके, पहला क्वेश्चन, डील विद द कोर बिजनेस एंड वैल्यू चेन। कोर बिजनेस एंड वैल्यू चेन, these processes deliver value to the customer by helping to produce a product or service. Okay, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा डियर। फर्स्ट चैप्टर अगर आप अपने EIS-SM, अगर आप अपने EIS का देखते हैं तो उसमें इंस्टीट्यूट ने आपको पढ़ने को दिया हुआ है कि अब थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसा कि आपको पता है, चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड भी एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए ये एक बिजनेस है, तो ये जो बिजनेस है डियर, ये क्या करता है, ये बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है। अब ये जो टास्क है, ये टास्क किस प्रकार से मतलब परफॉर्म किए जाते हैं, इन फॉर्म ऑफ प्रोसेसेस। तो फिर ये बिजनेस क्या है, इट इज नथिंग बट मेड ऑफ प्रोसेसेस। अलग अलग प्रोसेसेस से मिलके ये बिजनेस बना है। हम इन प्रोसेसेस को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को हम नाम देते हैं प्राइमरी, या फिर ऑपरेशनल प्रोसेसेस। दूसरे को हम नाम देते हैं डियर सपोर्ट प्रोसेसेस, और तीसरे को हम नाम देते हैं मैनेजमेंट प्रोसेसेस। प्राइमरी प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि कंपनी को, जो कि बिजनेस को मदद करते हैं इनपुट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में। क्योंकि डियर, किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, मींस उसमें मींस हमारा कोर प्रोसेस। तो प्राइमरी प्रोसेस हमारे कोर वैल्यूज को कंसिडर करते हैं। कोर वैल्यू, जो भी हमारे कोर टास्क हैं, उनको डील करने का काम किसका होता है, प्राइमरी प्रोसेस का। जैसे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, यदि मुझे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है तो क्या मुझे बहुत सारे सपोर्ट प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मुझे ह्यूमन रिसोर्स चाहिएगा, मुझे और भी प्रकार के R&D की, मुझे हो सकता है कि मुझे रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज चाहिए। इन सब को मैनेज करने का काम होता है सपोर्ट प्रोसेस का, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का काम होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का। ठीक बात है। तो एक बेसिक हमने आपको एक आइडिया दे दिया। तो हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, डील्स विद द कोर बिजनेस एंड वैल्यू चेन। तो डियर, कोर बिजनेस और वैल्यू चेन से कौन डील करता है, प्राइमरी प्रोसेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्राइमरी प्रोसेस। सो आई होप आप बच्चों ने इसका बी आंसर लिखा होगा। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ग्रिड कंप्यूटिंग बेस्ट। आई थिंक चैप्टर नंबर 4 ऑफ EIS, इसमें आपने ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा हुआ है। ज्यादा समय आपका अगेन हम नहीं लेंगे। ग्रिड कंप्यूटिंग में डियर, थोड़ी सी बात हम आपको बताते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग होता क्या। ग्रिड कंप्यूटिंग एक कंप्यूटिंग मैकेनिज्म है जो ये कहता है कि हम मल्टीपल डिवाइसेस को, मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे थ्रू सम ग्रिड सॉफ्टवेयर। और ये हमारे अलग अलग नोड या फिर डिवाइस हैं, इट्स ए नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5। तो सर क्या इसमें 5 ही नोड होंगे, नहीं डियर, इसमें मिलियंस ऑफ डिवाइसेस हो सकते हैं, इसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि मैं मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकता हूं यूजिंग द ग्रिड सॉफ्टवेयर, और यहां से मैं क्रिएट करता हूं डियर ग्रिड नेटवर्क। मैंने क्या क्रिएट कर लिया, ग्रिड नेटवर्क। और ये ग्रिड नेटवर्क मुझे क्या करके देता है, और ये ग्रिड नेटवर्क को यूज करके जो मैं कंप्यूटिंग करता हूं, इस ग्रिड नेटवर्क के थ्रू जो मैं कंप्यूटिंग करता हूं, इट इज नोन एज ग्रिड कंप्यूटिंग। बात, ये सारी बातें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में होता क्या, अब लेट्स से मेरे पास कोई टास्क है, ये मेरा कोई टास्क है। अब इस टास्क को प्रोसेस करने के लिए लेट्स से मुझे मेन फ्रेम कंप्यूटर चाहिए,
अब सर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, या फिर मुझे सुपर कंप्यूटर चाहिए, आई होप आप सारे बच्चों को पता है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग कैपेसिटी वाले कंप्यूटर होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी डियर कि भारत में सुपर कंप्यूटर्स की संख्या मेरे हिसाब से 2-3 ही भारत में सुपर कंप्यूटर हैं, इतना बड़ा हमारा देश और हमारे पास 2-3 ही हमारे पास सुपर कंप्यूटर हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स अमेरिका के पास भी नहीं है, चाइना के पास है। मीन्स चाइना इज द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, और भारत में शायद 1-2 ही सुपर कंप्यूटर जहाँ तक मुझे पता है अभी भारत देश ने BHU में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक नया सुपर कंप्यूटर मतलब इंस्टॉल किया है वहाँ पे। मीन्स वी हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया, इन यहाँ उस पर नहीं जा रहे। मेरे सवाल पे ध्यान दीजिएगा, लेट्स सी ये मेरा टास्क है जो मुझे प्रोसेस करना है, और इस टास्क को प्रोसेस करने के लिए मुझे मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर जैसी प्रोसेसिंग कैपेसिटी वाला कंप्यूटर चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग यहाँ आपको उसका सॉल्यूशन देता है। ग्रिड कंप्यूटिंग ये कहता है कि भाई इस टास्क को आप हमारे पास भेज दें, मतलब आप कहाँ भेज दें, इसे ग्रिड सॉफ्टवेयर के पास भेज दें, ग्रिड के पास भेज दें। तो ग्रिड सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करेगा, और इन हिस्सों को ब्रेक करके ये जो है ये छोटे छोटे हिस्सों में इन टास्क को ब्रेक करके ये क्या करेगा, जितने भी नोड्स इस ग्रिड के साथ कनेक्टेड हैं उन नोड्स के पास ये टास्क को भेज देगा कि भाई नोड्स आप क्या करो, आप अपने अपने प्रोसेसिंग कैपेसिटी के हिसाब से उस टास्क को प्रोसेस करो। और जैसे ये टास्क ये लोग प्रोसेस कर देंगे, प्रोसेस करने के बाद दोबारा से इसे किसके पास भेज देंगे, ग्रिड के पास, और ग्रिड क्या करेगा इस टास्क को लेगा जो कि प्रोसेस हो चुका है, दोबारा से किसके पास भेज देगा, जिस व्यक्ति का वो टास्क था। इस तरीके से हमने अपना टास्क प्रोसेस कर लिया विदाउट द नीड ऑफ हैविंग अ सुपर कंप्यूटर। तो डियर ये तो ग्रिड के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, इस पर नहीं जा रहे। तो फिर ये हमने आपको ग्रिड के बारे में एक बेसिक बैकग्राउंड दिया है। ग्रिड में डियर 3 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, यहां पर लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स या फिर नोट्स होते हैं, और ये जो कंप्यूटर्स या फिर नोट्स होते हैं डियर ये बेसिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अलग अलग लोगों के कंप्यूटर्स ग्रिड में कनेक्टेड होते हैं। दूसरा, ग्रिड में डियर हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग होती है, डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग। अब सर ये डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग क्या है, डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग वो कंप्यूटिंग होती है जो किसी एक डिवाइस पे या किसी एक मतलब सर्वर पे नहीं हो रही होती, अलग अलग जगह पे वो कंप्यूटिंग चल रही होती है। ग्रिड में डियर हमने पूरी की पूरी कंप्यूटिंग किसी मेन फ्रेम में नहीं की, हमने अलग अलग छोटे छोटे नोड्स में वो कंप्यूटिंग की है, मतलब हमने कंप्यूटिंग कैसे की है, डिसेंट्रलाइज्ड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर की। ऑन दी अदर हैंड जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग में जनरली कंप्यूटिंग कहाँ हो रही होती है, बड़े बड़े क्लाउड सर्वर्स में, तो वो कंप्यूटिंग आप कैसी कह सकते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग। आई होप आपको बात समझ आई। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो रही होती है डियर, ये पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है। सर जी पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, आपने ये वाला टास्क, इस टास्क को आपने ग्रिड को दिया, और ये ग्रिड क्या कर रहा है, इस टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके अलग अलग नोड्स के पास भेज रहा है। अब वो नोड्स क्या कर रहे हैं, नोड्स साइमल्टेनियसली पैरेलली अपने अपने सीपीयू का इस्तेमाल करके उस टास्क को प्रोसेस कर रहे हैं। सर जी आसान शब्दों में बताओ, आसान शब्दों में इसे समझने का प्रयास करें, हमने टास्क भेजा नोड वन और नोड टू के पास, नोड वन अपने सीपीयू का इस्तेमाल करके उस टास्क को प्रोसेस करेगा, नोड टू अपने सीपीयू का इस्तेमाल करके उस टास्क को प्रोसेस करेगा। तो क्या नोड टू उस टास्क को प्रोसेस करना तब शुरू करेगा जब नोड वन ने काम कंप्लीट कर लिया, नहीं सर, नोड वन को हमने अलग काम दिया है, नोड टू को हमने अलग काम दिया है, नोड वन अपना काम करेगा और नोड टू अपना काम करेगा, नोड टू को इंतजार नहीं करना कि पहले नोड वन का काम कंप्लीट हो जाए तो मैं शुरू करूंगा। प्लीज मेरी बात पर ध्यान देंगे, मतलब ये हुआ कि नोड वन और नोड टू साइमल्टेनियसली पैरेलली टास्क को प्रोसेस कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। तो हम किसे क्या नाम देंगे, पैरेलल कंप्यूटिंग, ठीक बात। तो ये 3 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डियर ग्रिड कंप्यूटिंग में। पहला होता है लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और नोट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये सारे के सारे कंप्यूटर्स और नोट्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग होती है। और तीसरा, यहाँ पे पैरेलल कंप्यूटिंग होती है। तो हम देखते हैं कि हमारे फीचर किसके साथ मैच करते हैं। ओके, इट इज पैरेलल, बिल्कुल सही बात है, एंड सेंट्रलाइज, नहीं साहब यहाँ पे कैसी कंप्यूटिंग होती है डियर, डिसेंट्रलाइज, तो पहला ऑप्शन गलत है, इट इज पैरेलल, सही बात है। वेयर
ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब होता है डियर इंडिपेंडेंट, कंप्यूटर्स एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म टास्क, ओके, इसे भी हम काट नहीं सकते, हम आगे बढ़ते हैं। सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग गलत, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग सही है, वर्क्स ऑन सीरियल सीपीयू कैपेसिटी, नहीं सर यहाँ पे सीरियल सीपीयू कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं हो रही होती, यहाँ पे पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी इस्तेमाल हो रही होती है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। सो व्हाट वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन, बी। और जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लिखा था उनको बहुत बहुत शुभकामना, मतलब बहुत बहुत बधाई कि आपने बिल्कुल सही आंसर लिखा और आपको एक नंबर और मिल गया। तीसरा, यू हैव रिसेंटली टेकन ऑन अ ट्रैवल एजेंसी एज योर क्लाइंट, ओके, तो आपके एक नए क्लाइंट ऐड हो गए जो कि एक ट्रैवल एजेंसी है। यू आर फैमिलाइजिंग योर सेल्फ विद द एजेंसी एंड इट्स ऑपरेशन, तो आप एजेंसी क्या है और वो कैसे काम करती है, इस उस एजेंसी के मतलब काम करने के तरीके को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। You are told that they use networks of computers which are designed as per bus topology. As per bus topology. Chapter number 3, जहाँ पे इंस्टीट्यूट ने आपको बहुत सारे मतलब concepts दिए हुए पढ़ने के लिए regarding telecommunications and networks. वहाँ पे आपने मतलब टोपोलॉजी पढ़ी होगी कि हम कितने प्रकार के टोपोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाँ रिंग टोपोलॉजी एक्सेट्रा। तो कहानी ये कहती है कि आपका एक क्लाइंट है जो कि ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस करता है, वो उन्होंने अपने यहाँ क्या यूज़ किया हुआ है, बस टोपोलॉजी। तो आपको बताना है कि बस टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, अ सिंगल हब कनेक्टिंग ऑल नोड्स। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनको पता है कि ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सिंगल हब जो होता है वो सारे के सारे नोड्स को यदि कनेक्ट करता है हम उसे क्या नाम देते हैं, स्टार टोपोलॉजी। सर जी कैसे, ध्यान दीजिएगा, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये लट से हमारा हब है, ये स्विच भी हो सकता है और हमारे पास ये लट से डिवाइसेस हैं। तो हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं जिनको हम नोड्स कह सकते हैं वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं, ओके, नोड, ये आपस में कनेक्टेड तो हैं, बट ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं डियर, थ्रू सम हब या स्विच, जिसको हम सेंट्रल यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक बात है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को अगर आपने किया हुआ है तो हम इसे नाम देते हैं स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। आई होप आपको बात समझ आई। दूसरा देखेंगे, ओके, इन अ वे दैट टू इमीडिएट नोड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, इसे हम नाम देते हैं डियर रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारे लेट से चार डिवाइसेस हैं, एक्सट्रीमली सॉरी एक्चुअली मेरा फोन जो था वो साइलेंट मोड पे नहीं था, एक्चुअली बच्चों स्पैम कॉल्स में परेशान हो चुका हूं, दिन भर कम से कम 10 से 15 स्पैम कॉल्स आते हैं, एनी हो, तो ध्यान दीजिएगा रिंग में क्या होता है, रिंग में लेट से ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा दूसरा कंप्यूटर है, ये हमारा तीसरा कंप्यूटर है और ये हमारा चौथा कंप्यूटर है। तो हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया होता है कि ये जो कंप्यूटर्स हैं ये एक दूसरे के थ्रू बात करते हैं। तो लेट से दिस इज आवर नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3 एंड नोड नंबर 4। तो जो हमारा नोड नंबर 1 है ये कनेक्टेड है किसके किसके साथ, नोड 2 के साथ और नोड 4 के साथ। इसी तरीके से नोड 4 किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ और 1 के साथ। नोड 2 किसके साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ और 3 के साथ। मतलब क्या हुआ कि ये इस प्रकार का अरेंजमेंट है जहां पे आपके जो नोड्स हैं वो अपने दो इंटरमीडिएट नोड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, दैट इज नोन एज रिंग, ठीक बात है। ज्यादा समय आपका नहीं लेते, इसे हम नाम लेते हैं रिंग, ओके। कनेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर ऑन अ सिंगल बैकबोन केबल, दिस इज बस। और इवन लगे हाथ बता देते हैं बस में क्या होता है, बस में आप एक केबल लगाते हैं जो कि हाई कैपेसिटी केबल होती है जनरली, और इसमें आप क्या करते हैं अपने सारे के सारे डिवाइसेस को इस केबल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी नोड्स हैं, हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड है, बट सर जी कैसे कनेक्टेड है, ये
सारे के सारे कंप्यूटर्स एक हाई कैपेसिटी केबल के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। अब इसमें डियर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आएंगे कि सर अगर ये केबल कट गई तो क्या होगा, अगर ये केबल कट गई तो हमारा पूरा का पूरा जो कनेक्शन है वो ठप हो जाएगा। मीन्स हम उस पर नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि बस में होता क्या है। बस में ये होता है कि एक सिंगल बैकबोन केबल होती है जो कि पूरे के पूरे हमारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को चला रही होती है। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द बस टोपोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी। ओके, थोड़ा सा स्पीड से काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन तो खैर सारे ही अच्छे थे। देखेंगे, एन एंटरप्राइज इज कॉन्फिगरिंग इट्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर फिक्सिंग इट्स मंथली बजट्स फॉर एक्सपेंसेस। ओके, अ हीटेड आर्गुमेंट इज गोइंग ऑन अमंग द फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स रिगार्डिंग द इश्यू अबाउट when to fix the budget for any head. Okay. Please help management in deciding on when to create budgets. तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में डियर बजट्स स्टैब्लिश होने थे, मतलब जो गिवन पीरियड के लिए अलग अलग हेड को कितना बजट एलोकेटेड किया जाए, उन बजट्स को फिक्स करने का काम चल रहा था और वो बजट्स आपको अपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम में इंसर्ट करने थे ताकि आप जो बजट एलोकेट करेंगे वो कहीं लिमिट से बढ़ ना जाए। ओके सर जी, समझ नहीं आ रहा बात को, चलें थोड़ा सा आसान करते। मान लीजिए कि मैं लेट्स से एचआर डिपार्टमेंट हूं, तो एचआर डिपार्टमेंट बीइंग द एचआर डिपार्टमेंट, क्या मेरे खर्चे होते हैं कंपनी में? सर होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट को सैलरी देनी पड़ती है, अपना और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो क्या एचआर डिपार्टमेंट क्या कहीं से पैसे अर्न कर रहा है, कहीं से नोट छाप रहा है, तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? इसको डियर बजट एलोकेट किया जाता है। सर बजट किसके थ्रू एलोकेट किया जाता होगा? हेड ऑफिस के थ्रू। हेड ऑफिस क्या करता होगा? एचआर डिपार्टमेंट को बजट एलोकेट करता होगा। तो क्या सर हेड ऑफिस सिर्फ और सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट को ही बजट एलोकेट करता है या अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी बजट एलोकेट करता होगा? बिल्कुल सही बात है डियर, अकाउंट्स को भी एलोकेट करता होगा। तो सर क्या सिर्फ अकाउंट्स को एलोकेट करता है? नहीं सर जी, R&D को भी एलोकेट करता होगा, प्रोडक्शन को भी करता होगा, परचेज को भी करता होगा, मार्केटिंग को भी करता होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मीन्स हर किसी को बजट एलोकेट किया जाता है फ्रॉम द हेड ऑफिस, एग्री करते हैं? अब सवाल ये बनता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बजट एलोकेशन का काम चल रहा था और अगर हेड ऑफिस अगर बजट एलोकेट कर रहा है तो क्या हेड ऑफिस अपने खातों में, अपने बही खातों में, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में सबको मेंशन करके रखेगा? हाँ सर। तो अब हम क्या कर रहे थे, हम अपने सॉफ्टवेयर में बजट को कन्फिगर कर रहे थे। अब बजट कन्फिगर करना क्या होता है, ये बातें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो हम क्या कर रहे थे, वी आर कन्फिगरिंग दी बजट, ताकि हमने एचआर को कितना बजट एलोकेट किया ये बात एचआर को पता चले। जैसे हम आपको एक आसान शब्दों में कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने जो मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन प्लान लिया हुआ है वो आपको हर महीने का 10 GB डेटा एलोकेट करना अलाउ करता है, तो आप क्या करते हैं, आप एक रिमाइंडर सेट कर देते हैं कि हमारा मंथली यूजर्स कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 10 GB। और आप ये रिमाइंडर कब सेट करते हैं, महीने के आखिरी में या महीने के पहले दिन, ताकि आप कितना यूज़ कर रहे हैं आपको पता रहे कि हमारा मैक्सिमम लिमिट कितना है, 10 GB, और हम जो भी यूज़ करेंगे वो अप टू 10 GB तक होगा। ठीक बात है। द सेम थिंग वॉज गोइंग ऑन इन दिस केस ऑल्सो, कि हम क्या कर रहे हैं, हम बजट स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है डियर, कि अगर हमें बजट स्टैब्लिश करना है, बजट कन्फिगर करना है, तो हमें बजट कब कन्फिगर करना है, महीने के पहले दिन या महीने के आखिरी में? सर जी बजट फ्यूचर पीरियड के लिए कन्फिगर होता है, महीने के आखिरी में तो हम ये देखते हैं कि हमने बजट कितना दिया था और हमारे एक्चुअल खर्चे कितने हैं, ताकि हम उन दोनों का कंपैरिजन और हम वेरियांस निकाल सकें। आप सारे बच्चों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी हुई है। मीन्स महीने के लास्ट में या पीरियड के लास्ट में तो डियर हम बजट को एक्चुअल से कंपेयर करके वेरियांसेस देखते हैं ना, कि वेरियांस कितना आया। तो हम बजट कब स्टैब्लिश करेंगे, एट द वेरी फर्स्ट डे, एग्री करते हैं। अब सवाल बनता है कि बजट कितना एलोके, मतलब हम बजट कितना फिक्स करेंगे, मुझे सोच के बताएं डियर बजट हम कितना फिक्स करें, बजट हमें कितना फिक्स करना चाहिए? अगर आपने कुछ पिछले महीने का बजट फिक्स किया है तो क्या उससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी? हाँ सर। तो क्या एज इट इज मैं पिछले महीने का बजट इस महीने भी फिक्स कर दूं, या मुझे ये भी देखना चाहिए कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने कितनी महंगाई बढ़ गई, कितने खर्चे बढ़ गए? बट ऑब्वियस सी बात है, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं पिछले महीने का डेटा उठाऊंगा और इस महीने क्या क्या चेंजेस आए हैं उस चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हुए मैं बजट बनाऊंगा और उस बजट को मैं कन्फिगर कर दूंगा। कब? एट द वेरी फर्स्ट डे। आई होप आपको बात समझ आई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, मुझे देख लेते। ओके, आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम टूडे, कहाँ से नहीं साहब, 6 मंथ आप मंथली बजट कन्फिगर कर रहे हैं, तो क्या 6 महीने के बाद आप उस
उसमें बजट फिक्स करेंगे नहीं. टुडे इटसेल्फ, हाँ बिल्कुल सही बात है, टुडे इटसेल्फ बेस्ड ऑन पास्ट ईयर्स एक्सपीरियंस, ये बात भी सही है, एंड फ्यूचर प्रोजेक्टेड इंक्रीज, ये बात भी सही है. चले तो इसको एक बार होल्ड करते हैं. कैन नॉट बी फिक्स टुडे, फ्यूचर इज अनसर्टन. नहीं सर, ये बात तो सही है कि फ्यूचर अनसर्टन है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि फ्यूचर अनसर्टन है. बजट जो हम फिक्स कर रहे होते हैं तो क्या हम ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि हमारे एक्चुअल खर्चे 100% बजटेड होंगे? नहीं सर, एक्चुअल खर्चों में डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस क्यों आया उसके एनालिसिस के लिए तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरियंस एनालिसिस जैसी चीजें पढ़ते हैं. ध्यान दीजिएगा, आपने टारगेट फिक्स तो करना होता है, क्या एट द एंड ऑफ द डे वो टारगेट 100% अचीव हो जाता है? नहीं सर, बट अगर मैं टारगेट फिक्स ना करूं तो क्या मैं कुछ भी जीवन में अचीव कर पाऊंगा? कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी तो गलत है. डी, टू डेट्स, क्या बात है, बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शंस फॉर एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो डी ध्यान दीजिएगा, आपका बी भी एक ऑप्शन है और डी भी एक ऑप्शन है. अब आपको देखना है कि बी सही है या डी सही, क्योंकि दोनों क्या कह रहे हैं कि आज के दिन ही बजट फिक्स होना चाहिए. तो हमने एक बात तो इंश्योर हमने कर ली कि बजट हमारा आज ही फिक्स होना चाहिए, बट कितना बजट फिक्स होना चाहिए हमें अब ये देखना है. बेस्ड ऑन पास्ट ईयर्स एक्सपीरियंस, सही बात है कि आपने पिछले साल कितना दिया था, एंड फ्यूचर प्रोजेक्टेड इंक्रीज, सही बात है. तो फिर डी क्या कहता है, टुडे इटसेल्फ बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शन फॉर एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो डियर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बी क्या कहता है कि भाई बजट आज फिक्स करो, और आज कितना बजट फिक्स करोगे कि आपने पास्ट ईयर में कितना बजट एलोकेट किया था और भविष्य में कितना खर्चा बढ़ रहा है, दोनों को मिला के एस्टिमेट बना लो और उस हिसाब से बजट फिक्स कर लो. डी कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भविष्य के खर्चों को ध्यान में रख के बजट फिक्स करो. तो डियर डी जो ऑप्शन है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है. रीजन क्या है, क्योंकि हमें पास्ट ईयर के खर्चों को भी देखना पड़ता है. बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, तो बी डी में अगर हमें किसी एक को एलिमिनेट करना है तो हम डी को एलिमिनेट करेंगे, बिकॉज बी इज मोर रैशनल ऑप्शन. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी. बट बात यहां खत्म नहीं होती. मान लीजिए अगर ऑप्शन बी ये कहता नेक्स्ट मंथ ओके, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा. मान लीजिए डियर, अगर ऑप्शन बी ये कहता नेक्स्ट मंथ, सर जी आगे तो बोलो, हाँ नेक्स्ट मंथ बेस्ड ऑन पास्ट ईयर्स एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर प्रोजेक्टेड इंक्रीज, तो डियर ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाता, क्योंकि हमें बजट तो आज ही फिक्स करना है. तो अगर मान लीजिए ऑप्शन ए बी सी तीनों ही गलत हो जाते तो फिर हम बेस्ट ऑप्शन क्या फिर हमारे पास बच जाता है, डी. तो फिर हम करेक्ट ऑप्शन क्या ले लेते, डी. बट इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में डी से ज्यादा बेहतर ऑप्शन हमारे पास है, डेट इज बी. तो हमने करेक्ट आंसर क्या लिख लिया, बी. आई होप आपको बात समझ आई. ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. अ रिनॉन्ड मॉडल इज फीचर्स इन एन एडवर्टीजमेंट ऑफ अ वॉशिंग मशीन ऑफ एवरीडे इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, where she emphasizes that this washing machine can be controlled, okay, through an app, okay, can be controlled through an app which the user can install from the Play Store in his mobile phone, okay, this is the perfect example of technology, okay. तो इसका सिंपल सा मतलब ये डियर कि एक कंपनी है जिसका नाम है एवरीडे इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उन्होंने एक नए प्रकार की वॉशिंग मशीन बनाई है, और इस वॉशिंग मशीन की खासियत यह है कि इस वॉशिंग मशीन को आप अपने फ़ोन में, आपके जो भी आप एंड्रॉयड या जो भी आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उस फ़ोन में आप एक ऐप इंस्टॉल करके इस वॉशिंग मशीन को उस ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं. सर ये तो बड़ी अजीब सी बात नहीं है डियर? अभी हुंडई ने एक नए प्रकार की कार लॉन्च की है, उसका नाम है शायद हुंडई वेन्यू. हाँ बिल्कुल सही, हुंडई वेन्यू. अब सब कुछ जो भी काम कर रहे हैं उस काम को छोड़कर हुंडई वेन्यू सर्च करने ना बैठ जाएं, बट अगर आप बच्चे अगर सर्च कर ही रहे हैं तो इसमें इस व्हीकल में हुंडई ये खास बात एडवर्टाइज कर रही है, और वो खास बात क्या है, इंडियाज फर्स्ट कनेक्टेड कार. ध्यान दीजिएगा, हुंडई ये कह रही है कि जो हुंडई वेन्यू है ये पूरे भारत की पहली ऐसी कार है जो कि कनेक्टेड है. अब सर जी कार कनेक्टेड है इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते, हुंडई ये कहती है कि भाई अगर आप हुंडई वेन्यू खरीदते हैं तो आप एक ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा. अब लेट से आप शॉपिंग मॉल में या अगर आप कहीं भी हैं, अब लेट से आपकी जो कार है वो बाहर धूप में खड़ी है, अब लेट से मैं एक एसी कमरे से या एक एसी ऑफिस से निकल के मुझे उस कार में बैठना है, तो अब कितनी कार में मुझे मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगेगा जैसे मैं उस कार में जाके बैठूंगा, क्योंकि मैं एसी में बैठा हुआ था, अब उस पूरी तरीके से गर्म हो चुकी कार में जाके अगर मैं बैठूंगा, इट विल बी वेरी 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 ट्रबल्ड थिंग फॉर मी.
तो अब आप क्या कर सकते हैं, उस ऐप के थ्रू आप ऑफिस में बैठे बैठे उस कार का एसी शुरू कर सकते हैं। अब लेट से आपको पता है कि आपको 10 मिनट के बाद जाके उस कार में बैठना है, आप 10 मिनट पहले एसी शुरू कर सकते हैं। मीन्स आप बाहर हैं, मतलब सॉरी आप ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, बट आपने एसी शुरू कर दिया और वो कार का एसी चालू हो गया, और जब आप उस कार में जाके बैठेंगे द कार विल बी चिल्ड क्योंकि एसी 10 मिनट पहले शुरू हो चुका था। तो ये कैसे हुआ, उस ऐप के थ्रू। तो हुंडई ने क्या कहा कि भाई हम ऐसी कार बना रहे हैं डेट वुड बी दी कनेक्टेड कार। सो अब डियर ज़्यादा समय आपका नहीं लेते, तो डियर जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस की टेक्नोलॉजी आई है वो कहलाती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हमारा मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये शायद चैप्टर नंबर 4 से इन्होंने लिया हुआ है। ओके आगे देखेंगे, अ मैसेज एनी मैसेज। ओके तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एनी मैसेज डेट इज कन्वर्टेड इंटू अन इंटेंजिबल नॉट अंडरस्टेबल फॉर्म इज कंसिडर्ड टू बी। ओके ओके ओके, तो ध्यान दीजिएगा डियर, थोड़ा सा हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं होता क्या है। अब लेट से ये मेरे पास कोई टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं लेट से आई एम सेंडर और इस टेक्स्ट को मैं रिसीवर को भेजना चाहता हूं। अब आपको पता है डियर, अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को भेज रहा हूं तो वो बाइनरी के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। हर एक जो आप मतलब ए बी सी डी एक्सेट्रा जो भी आप यूज करते हैं वो सारी की सारी बाइनरी से मिलकर बनी होती है। बाइनरी में 8 बिट्स होते हैं, इसमें नहीं जाते। अब लेट्स से सेंडर यदि कोई टेक्स्ट रिसीवर को भेज रहा है तो वो जो टेक्स्ट है वो किसी ना किसी कम्युनिकेशन मीडिया में फ्लो करेगा, एग्री करते हैं। अब लेट्स से यहाँ कोई हैकर जैसे या फिर कोई क्रैकर टाइप लोग बैठे हुए हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और जो आप टेक्स्ट भेज रहे हैं ये लोग भी उसे रीड कर सकते हैं और उसे मिसयूज कर सकते हैं। इससे बचने के लिए एक मैकेनिज्म आया, एक नई प्रकार की टेक्नोलॉजी आई जो कहलाती है इंक्रिप्शन। तो सर जी एक बात बताऊं ना, हम जो व्हाट्सएप में चैट कर रहे होते हैं तो वो भी तो कोई ना कोई पर्सन पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है। कुछ समय पहले, मन कुछ समय भी कहना गलत है, मतलब बहुत समय पहले डियर व्हाट्सएप ने अपने सारे के सारे मैसेजेस में भी इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी ऐड कर दी। इसलिए आप व्हाट्सएप में लिखा हुआ देखेंगे कि दिस मैसेज इज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, मतलब आप जो मैसेज भेजेंगे सामने वाली पार्टी को अगर बीच में कोई व्यक्ति हैक करके उसे पढ़ भी ले तो उसे उसका कोई मतलब समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने उसे क्या किया हुआ है, इंक्रिप्ट किया हुआ है। अगेन ज़्यादा समय नहीं लेते, तो डियर जो टेक्स्ट हमारा इनक्रिप्ट हो चुका होता है, अब उस टेक्स्ट को अगर कोई कॉपी कर भी लेता है तो उससे वो कोई मतलब नहीं निकाल पाएगा, उसका कोई मतलब नहीं समझ पाएगा। मीन्स वो टेक्स्ट हमारा कैसा बन गया, नॉन अंडरस्टेबल, मतलब आप उसे समझ नहीं सकते। तो हम ऐसे टेक्स्ट को क्या नाम देते हैं, साइफर टेक्स्ट। और जो टेक्स्ट हमारा अभी तक इनक्रिप्ट नहीं हुआ, जो एज इट इज है, वो क्या कहलाएगा, प्लेन टेक्स्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए साइफर टेक्स्ट। आई होप आपको बात समझ आए। ओके आगे देखेंगे, अ मेमोरी ऑफ द साइज ऑफ 32 बिट्स इज मोस्ट लाइकली टू बी अ। तो थोड़ा सा हम आपको इसमें बता दें, देखिए डियर क्या होता है, एक हमारे पास मेमोरी होती है जो कहलाती है रजिस्टर, ये अगेन चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। एक मेमोरी होती है जो कहलाती है कैश मेमोरी, एक होती है जो कहलाती है रैम, एक होते हैं जो कहलाती है सेकेंडरी स्टोरेज, इसके अलावा भी मेमोरी होती है। जो हमारा रजिस्टर होता है डियर, ये जनरली 16 बिट से लेके 64 बिट तक का होता है, मतलब रजिस्टर्स का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, 16 से लेके 64 बिट जनरली ये इस साइज का होता है। जो हमारी कैश मेमोरी होती है डियर, ये 4 MB से लेके जनरली 64 MB की होती है, मतलब 64 MB की जो आपकी कैश मेमोरी होती है ये बहुत बड़े बड़े सर्वर में मिलती है। आप जो नॉर्मल लैपटॉप परचेज करते हैं उसमें 4 या फिर 8 MB मैक्सिमम की कैश मेमोरी मिलती है। अगर आप 1 लाख या 1.25 लाख रुपए के आसपास का लैपटॉप लेते हैं तो उसमें 8 MB की कैश मेमोरी होती है, और जो आप नॉर्मल लैपटॉप लेते हैं 30-40,000 के आसपास का, उसमें सिर्फ 4 MB की कैश मेमोरी होती है। आई होप आपको बात समझ आई। रैम जो होता है वो 16 GB तक का हो सकता है। जो आप नॉर्मल कंप्यूटर लेते हैं इसमें 4 GB का रैम होता है, और जो आप हाई डेफिनेशन या जो आप बहुत मतलब गेम खेलने के लिए जो आप मतलब कंप्यूटर लेते हैं उसमें 16 GB तक का रैम होता है। और डियर जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज होता है इसकी मेमोरी हमारी टेराबाइट में होती है, TB में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो हाँ मतलब सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब हार्ड डिस्क आप कह सकते हैं। जैसे आप जो रेगुलर
कंप्यूटर परचेज करते हैं इसमें आपको नॉर्मली 1 TB की हार्ड डिस्क मिलती है, ठीक बात है। तो हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि अ मेमोरी ऑफ द साइज ऑफ 32 bits इज मोस्ट लाइकली टू बी रेंडम एक्सेस मेमोरी, नहीं कैश मेमोरी, नहीं रजिस्टर। हाँ, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो रजिस्टर होता है हमारा वो बहुत छोटे बहुत स्मॉल मेमोरी का होता है, जनरली 16 से लेकर 64 बिट तक का, ठीक बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो गया लगता है। ओके, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कंसिडरिंग द बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट इंश्योर्स दैट डेटा इज ओनली अवेलेबल टू द पर्सन हु हैव राइट टू सी द सेम व्हाइल इंश्योर्स दैट नो अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट कैन बी मेड इन द डेटा। तो डियर, ये बात आपने ऑलरेडी देखी हुई है, तो बिल्कुल पहले चैप्टर से ली गई है। हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी एस्पेक्ट ये कहता है कि भाई जो डेटा होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को के पास पहुंचना चाहिए, उसी व्यक्ति द्वारा रिसीव होना चाहिए जो व्यक्ति लीगल उस डेटा का ओनर है या जिसको आप सही में भेजना चाहते हैं। अगर कोई डेटा हर किसी के पास पहुंच गया या जिसके पास आप भेजना चाहते हैं उसके अलावा भी किसी के पास पहुंच गया तो वो डेटा की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो लीक हो जाएगी। सो द कॉन्फिडेंशियलिटी एस्पेक्ट इंश्योर्स कि भाई जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिस व्यक्ति के पास उस डेटा को देखने का यूज करने का अधिकार है। और इंटीग्रिटी ये कहता है कि डेटा उसी तरीके से वही डेटा उस व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए जो हमने यहां से भेजा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप डेटा भेज रहे हैं ABC, बीच में हैकर्स ने ये डेटा कॉपी किया और ये डेटा चेंज करके बना दिया ACB, तो फिर अब रिसीवर के पास क्या पहुंचेगा ACB। तो डियर, हमने जो डेटा भेजा है वो डेटा उसी फॉर्म में उसी तरीके से वही डेटा रिसिपेंट के पास पहुंचना चाहिए, ये इंश्योर करता है इंटीग्रिटी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट लाइक ओके कैन बी इंप्रूव्ड इफ इट इज डैश एंड डैश। ओके, चैप्टर नंबर टू ध्यान दीजिएगा डियर, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जहां से हम किसी ट्रांजेक्शन के डिटेल्स को उठाते हैं और हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम में उसे इंसर्ट करते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपने कुछ परचेज किया तो आपके पास परचेज इनवॉइस होगा, या फिर अगर आपने कुछ सेल किया तो आपके पास सेल्स इनवॉइस होगा। तो ये जो परचेज इनवॉइस हो गया, सेल्स इनवॉइस हो गया, ये बेसिकली क्या है आपके, ये आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है जहां से आप डेटा उठाएंगे और उस डेटा को आप अपने सिस्टम में फीड करेंगे, ठीक बात है। ध्यान देंगे, द एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट लाइक कैन बी इंप्रूव्ड इफ इट इज डैश एंड डैश। तो फिर मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पे जो ऑप्शन आएगा ये किस चीज का ऑप्शन आएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट का। और ये जो दो ऑप्शंस हैं डियर, ये किसकी बात करेंगे, एक्यूरेसी बढ़ाने की बात करेंगे। तो थोड़ा सा देखेंगे, मतलब हमें कुल मिला के 3 खाली जगहों को फिलअप करना है, मीन्स देर आर टोटल 3 ब्लैंक स्पेसेस दैट वी हैव टू फिल। पहला जो ब्लैंक स्पेस आएगा इसमें किस चीज की बात होगी, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट की बात होगी। और बाकी जो हमारे जो रिमेनिंग 2 ब्लैंक स्पेसेस हैं डियर, इसमें आप उस सोर्स डॉक्यूमेंट की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी बात होगी। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, क्या सेल्स इनवॉइस सोर्स डॉक्यूमेंट है, हाँ सर, बट क्या परचेज ऑर्डर सोर्स उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने की बात करता है, नहीं। क्या उसे सीरियली नंबरिंग करना उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने की बात करता है, हाँ। अगर आपका सोर्स डॉक्यूमेंट सीरियली नंबर्ड है तो ही तो आप आसानी से उसे अपने कंप्यूटर सिस्टम में फीड कर सकते हैं। अगर आपका सोर्स डॉक्यूमेंट सीरियली नंबर्ड नहीं है तो फिर फीडिंग में परेशानी आएगी और वो क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस मेंटेन नहीं होगा। सर जी, ये क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस क्या, इसमें नहीं जाते। ओके, दूसरा, द एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट लाइक ओके, हाँ, परचेज ऑर्डर, ये भी हमारा क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट सीरियली नंबर्ड properly designed, क्या बात है। तो मेरी बात पर ध्यान देंगे, purchase order हमारा क्या है, source document। और अगर आप अपने source document like purchase order को अगर आप serially numbered करते हैं और साथ में proper तरीके से design करते हैं तो इसकी accuracy but obviously बातें बढ़ जाएगी। तो B हमारा, तो A तो हमारा गलत हो गया, B हमारा एक option हो सकता है। C देखते हैं, purchase order ठीक बात है, properly designed ठीक बात है, sales invoice नहीं, ये भी गलत हो गया। D sales invoice ठीक बात है, properly designed, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या है डियर, बी। अननेसेसरी समय नहीं लगाते, सो व्हाट वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन, बी। ओके, आगे देखते हैं। एन एस्पायरिंग सीए इन हिज इंटरव्यू वाज आस्क्ड टू प्रोवाइड करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सब प्रोसेसेस दैट रिप्रेजेंट्स ओके अकाउंटिंग प्रोसेस। तो डियर, ये क्वेश्चन बड़ा ही, मतलब इंश्योर पता नहीं इस क्वेश्चन से ज्यादा ही प्यार करता है, तो कृपया बाकी तो आपको सब कुछ देखना है, इस क्वेश्चन को जरूर से अच्छे से देख के जाएं। द सब प्रोसेसेस आर ओके, इन्होंने सब प्रोसेस मेंटेन किया, मतलब ये हुआ, मुझे सोच के बताएंगे
अकाउंटिंग प्रोसेस फ्लो में आपके हिसाब से क्या होता होगा, अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे काम करता होगा? सर सबसे पहला काम क्या होता होगा, हम क्या उठाते हैं, हम बिल उठाते हैं, इनवॉइस उठाते हैं, उस बिल या इनवॉइस से हम क्या कर रहे होते हैं, जनरल एंट्री पास कर रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो डियर आप CPT या फाउंडेशन के ज़माने से सुनते आ रहे हैं कि आप कोई मतलब बिल बुक हो गया, मतलब बिल बुक कह रहा हूँ मैं, मतलब सेल्स बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, आप उसे उठाते हैं, वहाँ से आप क्या क्रिएट कर रहे होते हैं, जनरल, उससे क्या बन रहा होता है, लेजर। प्लीज़ ध्यान देंगे तो ये पूरा का पूरा सिक्वेंस इसी प्रकार से तो मूव करता है, ठीक बात है। उससे फिर क्या बन जाता है, ट्रायल बैलेंस, उसमें हम क्या कर देते हैं, एडजस्टमेंट, फिर क्या बन गया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर हम क्या पास कर देते हैं, क्लोजिंग एंट्री, और फाइनली हमारा क्या बन जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर जी सिंपल सी बात क्या है, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सोर्स डॉक्यूमेंट, इससे हम क्या बनाएंगे, जनरल, इससे क्या बनेगा, लेजर, कहानी खत्म। तो देखेंगे मेरे साथ साथ, सोर्स डॉक्यूमेंट, ओके फर्स्ट, तो पहला ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, दूसरा जनरल 7 में, तो एक के बाद 7 आएगा, लेजर किस में डियर, 4 में, तो 7 के बाद 4 आएगा, ज़्यादा आगे नहीं जाते, मुझे बताएंगे 1, 7, 4 जैसे कोई सिक्वेंस है कि हमारे पास 1, 2, 3, नहीं 4 गलत है, ओके 1, हाँ 1, 7, 4 क्या बात है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर, सी, तो द राइट ऑप्शन वुड बी सी, आई होप आप बच्चों ने सी आंसर लिखा होगा, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट XBRL, अगेन चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है, XBRL का मतलब होता है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ठीक बात, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर बिजनेस रिपोर्टिंग पर्पस, क्या बात है, बिल्कुल सही है, स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग, ओके लिटरेचर, नहीं सर ये क्या होता है, लैंग्वेज न कि लिटरेचर, तो ये ऑप्शन गलत है हमारा। यूजेस SSL एज इट्स बैकबोन टेक्नोलॉजी, नहीं, ये क्या यूज करता है डियर, XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत है। हैज स्ट्रीमलाइंड बिजनेस रिपोर्टिंग टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है, XBRL आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, XBRL की मदद से क्या हुआ डियर, कि हमने जितना भी बिजनेस रिपोर्टिंग का टास्क है, हमने पूरे के पूरे टास्क को स्ट्रीमलाइंड कर दिया, ईजी बना दिया, आसान बना दिया, ठीक बात है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या है डियर, फर्स्ट और फोर्थ, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 और 4 आंसर होना चाहिए, 1, 2, 3 नहीं, 1 और 4, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो फिर हम डियर आगे मूव करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, आप बच्चों को भी देखना है कि आपने सही में कितने नंबर स्कोर किए, और बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि आपने जनरली कितने नंबर स्कोर किए, और हाँ एक आप एक काम और करें, आप बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर किए, अपने मार्क्स को डियर मतलब सही में आपने कितने नंबर स्कोर किए, जरूर से इस वीडियो के कमेंट में हमें बताएं कि आपने कितने नंबर स्कोर किए आउट ऑफ 30, ठीक है, ओके। अब हम मूव करते हैं डियर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, अनलेस स्ट्रक्चर फॉलो स्ट्रेटेजी इन एफिशिएंसी रिजल्ट, दिस हैज बीन स्टेटेड बाय, हाँ AD चैंडलर, बिल्कुल सही, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। अब इसमें नहीं जाते डियर, ये बहुत लंबी कहानी है इसकी, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, अ डीलरशिप ऑफ होंडा मोटर्स कंपनी रिसीव्ड द फॉलोइंग मैसेज फ्रॉम वन ऑफ द होंडास मार्केटिंग मैनेजर, एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स, ओके ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी होंडा इज कमिटेड टू डेवलप द कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड ऑटोनोमस व्हीकल टेक्नोलॉजी विच इज नेटवर्क कनेक्टेड, ओके अभी हमने इसकी बात की थी, सेफ, ओके सेफ, एनवायरमेंटली फ्रेंडली एज वेल एज कॉस्ट एफिशिएंट फॉर द एंटायर मैनकाइंड, द मार्केटिंग मैनेजर्स रेफरिंग टू होंडास, ओके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक विजन, मिशन स्टेटमेंट, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ध्यान देंगे डियर। कहानी क्या है, मतलब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ कि कहना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन ये कहता है कि होंडा के किसी डीलर को होंडा के किसी मैनेजर से एक ईमेल मिला, एक मैसेज मिला, उस मैसेज में लिखा हुआ था कि भाई डीलर, जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, हम होंडा कंपनी कमिटेड है किस चीज के लिए, कि हम बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनाएंगे, किस चीज की, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की, और साथ में ऑटोनोमस व्हीकल, मतलब जो गाड़ियां अपने आप चलेंगी, और साथ में वो गाड़ियां जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड होंगी, मतलब हम 3 प्रकार की बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, कौन कौन सी सर जी, जो कि ऑटोमेटिक व्हीकल की, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की, और साथ में नेटवर्क कनेक्टेड व्हीकल की, साथ में ये जो गाड़ियां होंगी ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगी, मतलब जिससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हार्म नहीं होगा, साथ में इसका खर्चा बहुत कॉस्ट एफिशिएंट होगा, और ये हम पूरे के पूरे मैनकाइंड के लिए हम ये काम करना चाहते हैं, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं, हम भविष्य में कौन सी नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं, हम भविष्य में कौन से नए मार्केट को सर्व करना चाहते हैं, हम भविष्य में किन कस्टमर्स को डील करना चाहते हैं, हम भविष्य में कौन से रास्ते में
कंपनी को लेके जाना चाहते हैं, मतलब हमारा फ्यूचर पाथ क्या होगा, ये क्या कहलाता है डियर, हमारा स्ट्रेटेजिक विजन कि मैं भविष्य में कंपनी को कहाँ देखता हूँ, डेट इज आवर स्ट्रेटेजिक विजन। क्या मेरी बात किसी को समझ है? तो फिर आपने सही आंसर क्या देखना है, स्ट्रेटेजिक विजन। तो फिर आप में से जिन बच्चों ने आंसर बी लिखा हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत सही आंसर लिखा। और डियर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करें, इंश्योर डियर अपने क्वेश्चंस को इसी तरीके से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आपको देगा। ठीक बात, ओके आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ कंपनी डिविजन, अ प्रोडक्ट लाइन विद इन अ डिविजन, और समटाइम्स अ सिंगल प्रोडक्ट और ब्रांड। ओके, इनमें से कौन ऐसा है जो कि एक कंपनी का पूरा डिवीजन हो सकता है, उस डिवीजन में कोई प्रोडक्ट लाइन हो सकता है, या एक सिंगल प्रोडक्ट या एक सिंगल ब्रांड हो सकता है। मार्केट शेयर ओके, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सिंगल प्रोडक्ट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और ब्रांड पोर्टफोलियो। मेरी बात पर डियर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे समटाइम्स अ सिंगल प्रोडक्ट और ब्रांड, इस चार वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ये मतलब सिंगल प्रोडक्ट और ब्रांड भी हो सकता है। इनमें से क्या ऐसा है जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट या ब्रांड भी हो सकता है, जैसे आईफोन की अगर हम बात करें तो आईफोन एक सिंगल ब्रांड है, ध्यान दीजिएगा, आईफोन इज व्हाट, अ सिंगल ब्रांड, आईफोन एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि मल्टीपल तरह के आईफोन आते हैं, सो दैट इज अ सिंगल ब्रांड, प्लीज मेरी बात पर ध्यान दें। बट अगर हम ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें, लेट्स से मारुति कंपनी की जो कार है डियर, कौन सी कार उनकी, हाँ मतलब मान लीजिए मतलब सियास, तो सियास क्या है, सियास एक सिंगल ब्रांड है और साथ में एक सिंगल प्रोडक्ट है, क्योंकि सियास के मल्टीपल वो कुछ नहीं आ रहे होते, सियास इज बेसिकली लाइक अ सिंगल प्रोडक्ट, प्लीज मेरी बात पर ध्यान देंगे। तो फिर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो तो हमारा कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करता है, मीन्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बात करता है, और हमारा ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स की बात करता है। ठीक बात है, आई होप आपको बात समझ आई। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, मार्केट शेयर तो बेवकूफ़ वाली बात है, मार्केट शेयर थोड़ा ना हमारा कोई ब्रांड हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, मार्केट शेयर तो ये बताता है ना कि भाई आपका मार्केट में शेयर कितना। ठीक बात है, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, SBU। तो अगर आपने SBU पढ़ा हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली आप बच्चों ने पढ़ा ही होगा, SBU क्या होता है, SBU डियर हमारा एक डिवीजन हो सकता है, कभी कभी ये सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल ब्रांड भी हो सकता है। जैसे अगर आप एप्पल की बात करें तो एप्पल के लिए डियर इनका जो आईफोन है ये एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है। ठीक बात, ओके हम आगे बढ़ते हैं। बर्गर किंग हैज इंट्रोड्यूस्ड अ डेबिट कार्ड पेमेंट मेथड इन इट्स एग्जिस्टिंग आउटलेट्स विच लेट कस्टमर्स प्रीपे फॉर द बर्गर एंड अदर स्नैक्स एंड अवेल 5% डिस्काउंट ऑन द टोटल बिल अमाउंट। दिस एफर्ट बाय बर्गर किंग मैनेजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओके ऑप्शन क्या है, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट पेनेट्रेशन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कहता है कि बर्गर किंग, आपको पता है डियर एक बहुत बड़ी फूड चेन है, बर्गर किंग ने अपने एग्जिस्टिंग आउटलेट्स में डेबिट कार्ड पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, जहाँ पे कस्टमर जो हैं वो कुछ भी खाने से पहले वो प्री पेमेंट कर सकते हैं। लेट्स से कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मैं क्या, मतलब जब भी मैं बर्गर किंग जाता हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या खाता हूँ, और मुझे पता है कि उसका जो बिल है लेट्स से वो 400 रुपये बनता है, ये मुझे पता है। तो बर्गर किंग ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर आपको अपना बिल अमाउंट पता है तो एक काम करें 400 रुपये पहले ही पेमेंट कर दें, आपको कोई कोड वोड मिल जाएगा। अब आप जब सही में जब आप बर्गर किंग पहुंचेंगे तो फिर आपको दोबारा से कैश नहीं देना, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट, और साथ में आप जब 400 रुपये प्री पे करेंगे तो हम आपको 5% का डिस्काउंट देंगे, मतलब एडवांटेज हो जाएगा कि अब आपको सिर्फ कितने देने हैं, 380 रुपये देने हैं, क्योंकि 20 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक बात है, तो मुझे सोच के बताएंगे बर्गर किंग अगर ऐसा करती है तो इसका एडवांटेज क्या होगा, कि जो कस्टमर बर्गर किंग में कम बार विजिट किया करते थे ड्यू टू एनी रीजन, अब वो अधिक बार विजिट करना चाहेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि यार 5% का हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, क्यों ना हम घर बैठे पेमेंट करते हैं, बाद में हमें जो खाना है वो हम जाके खा लेंगे। तो मेरी बात पे ध्यान देंगे डियर, इगोर एंसॉफ ने कहा था कि आप ग्रोथ कैसे कर सकते हो, और इन्होंने कहा था कि ग्रोथ करने के लिए या तो आप इंटेंसिफिकेशन करें या आप डाइवर्सिफिकेशन करें। इंटेंसिफिकेशन में आप 3 काम कर सकते थे, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और डाइवर्सिफिकेशन में आप किसी नए बिजनेस, किसी नए मार्केट में एंटर कर जाएं। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही लार्ज क्वांटिटी में बेचना चाहते हैं, डेट इज नोन एज मार्केट पेनिट्रेशन। और बर्गर किंग का ये एफर्ट क्या करेगा, इनके एग्जिस्टिंग बर्गर को ही, कोई नया बर्गर आपने नहीं बना दिया, या इस बर्गर को लेके आप किसी नए मार्केट में एंटर नहीं हो गए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप नए प्रकार का बर्गर बना देते तो ये क्या कहलाता, प्रोडक्ट डेवलपमेंट।
अगर आप इस बर्गर को लेके किसी नए देश पहुंच जाते, किसी नए मार्केट पहुंच जाते वो बर्गर लेके, वो क्या कहलाता, मार्केट डेवलपमेंट। अगर आप बर्गर बनाते बनाते बोर हो गए, आपने कहा यार बर्गर बहुत दिन बना लिए, अब हम कार बनाना शुरू करेंगे, ये कार चलाओ और हमारे बर्गर खाओ, तो ये क्या बन जाता, डाइवर्सिफिकेशन। बट आपने क्या किया, आपने ये किया कि भाई हम एक पेमेंट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि आपको 5% का डिस्काउंट देगा। इसका एडवांटेज क्या होगा कि कस्टमर हमारे पास ज़्यादा विजिट करेंगे उसी बर्गर को खाने के लिए। मीन्स एग्जिस्टिंग कस्टमर, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, इट इज़ नोन एज मार्केट पेनिट्रेशन। आई होप आपको बात समझ आई। सो सर जी कहना क्या चाहते हो, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया डियर, डी। ओके आगे देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। टू काइंड्स ऑफ लिंकेजेस एग्जिस्ट बिटवीन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ध्यान दीजिएगा डियर्स, अगर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने से काम नहीं चलता, हमें उस स्ट्रेटेजी को क्या करना पड़ता है, जोर से बोलेंगे, क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो लेट से मैंने अगर कोई स्ट्रेटेजी बनाई, लेट से ये मेरे हाथ में स्ट्रेटेजी है, मैंने स्ट्रेटेजी बना ली, सर जी स्ट्रेटेजी में कुछ दिखाओ तो सही, अब मेरे पास कुछ है नहीं डियर दिखाने के लिए। चले मतलब मन की आंखों से देखें, मन की निगाहों से देखें कि मेरे हाथ में स्ट्रेटेजी है, अब इस स्ट्रेटेजी को मुझे क्या करना है, अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करना है। तो सर जी इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, अपनी कंपनी में डियर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए, दूसरा आपको अपनी कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर चाहिए, और तीसरा आपको कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप चाहिए। ठीक बात। अब लेट से मैं एक बिल्कुल नई स्ट्रेटेजी बना देता हूँ, आज तक मेरी जो स्ट्रेटेजी थी उसके मुकाबले मैंने बिल्कुल नई स्ट्रेटेजी बना दी, तो अगर मैं बिल्कुल नई स्ट्रेटेजी बनाऊंगा डियर तो क्या मेरा पुराना स्ट्रक्चर कल्चर और लीडरशिप से मेरा काम चल जाएगा? नहीं सर, उसके लिए मुझे नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मुझे नए प्रकार की लीडरशिप लानी पड़ेगी, और मुझे नए प्रकार का क्या, मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कल्चर बनाना पड़ेगा। तो डियर अगर मैं नए प्रकार की स्ट्रेटेजी के लिए नए प्रकार का कल्चर स्ट्रक्चर और लीडरशिप बना सकता हूँ, मीन्स मैं सिर्फ आगे मूव कर रहा हूँ, मीन्स इट इज़ नोन एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन या फिर फॉरवर्ड लिंकेज। बट डियर एक बात बताएं, आप बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली, क्या नया कल्चर, नया स्ट्रक्चर और नई लीडरशिप लेकर आना इतना आसान होता है? नहीं सर, बहुत मुश्किल होता है। हमारे देश की सरकार ने कोशिश की थी कि भाई देश में ना फिजिकल पेमेंट होती है, हम इसे डिजिटल पेमेंट में कन्वर्ट करेंगे, इस चक्कर में उन्होंने नोटबंदी कर दी। अभी तक मोदी जी को नोटबंदी के लिए खरी खोटी सुननी पड़ती है राहुल गांधी जी से, बाकी लोगों से, कि आपने नोटबंदी करके देश बर्बाद कर दिया। अब आप इस बात से एग्री करें ना करें उसमें हम नहीं जाते, हम ये कह रहे हैं डियर किसी भी कल्चर को ब्रेक करके नया कल्चर लाना, इट इज़ हाईली टीडियस जॉब, ये बहुत रिस्की है और साथ में इसमें बहुत समय लगता है। ठीक बात है। तो सर जी कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं डियर कि भाई सब कुछ नया लाना इतना आसान नहीं होता, तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी कहती है कि यार हम इतना काम नहीं कर सकते कि हम नया कल्चर भी लाएं, नया हम स्ट्रक्चर भी लाएं, हम नए प्रकार की लीडरशिप लाएं, हम तो एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जो हमारे एग्जिस्टिंग कल्चर, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और एग्जिस्टिंग लीडरशिप में फिट बैठ जाए, तो हम इसे क्या नाम देते हैं डियर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑप्शन नंबर सी। ओके ध्यान दीजिएगा, वॉलमार्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिजिकल रिटेलर हैज रिसेंटली लॉन्च इन स्टोर इन चाइना, जापान, कनाडा एंड जर्मनी। ओके दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ वॉलमार्ट इज परसूविंग एज अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी। जैसा कि हमने आपको पहले ही देखा था फोर्थ वाले आंसर में कि वॉलमार्ट ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने स्टोर को किसी नए मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, इसे आप क्या नाम देते हैं डियर, मार्केट डेवलपमेंट। ठीक बात। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। इन द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स इनकम फ्रॉम कैन बी यूज टू फाइनेंस द कंपनीज क्वेश्चन मार्क एंड स्टार प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस। ध्यान दीजिएगा, यू नो दिस क्वेश्चन इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है बीसीजी मैट्रिक्स के हिसाब से आपको जो स्टार और क्वेश्चन मार्क के लिए जो आपको पैसे चाहिए होते हैं वो पैसे कहाँ से आएंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते बट फिर भी थोड़ी बहुत बातें बताना जरूरी है। आपने डियर बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है, बीसीजी मैट्रिक्स क्या कहता है कि भाई आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या तो स्टार हो सकते हैं या क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं या कैश काउ हो सकते हैं या डॉग हो सकते हैं। अब इसमें हमने कहा था स्टार में दोनों चीज़ें हाई होती हैं, क्वेश्चन मार्क में एक चीज़ हाई होती है एक चीज़ लो होती है। क्वेश्चन मार्क में क्या हाई होता है, मार्केट ग्रोथ रेट। तो हमारे वर्टिकल एक्सिस में क्या आ गया, मार्केट ग्रोथ रेट, और क्वेश्चन मार्क में क्या लो होता है, हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर। ज्यादा समय ना लेते हुए मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर, जब भी आप एक ऐसे
मार्केट में या एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसका ग्रोथ रेट हाई है, जिसका ग्रोथ रेट हाई है, मतलब स्टार और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि डियर ये दो ही ऐसे बिजनेसेस या ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हाई ग्रोथ रेट वाली इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। अगर आप डियर हाई ग्रोथ रेट वाली इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, बहुत ध्यान से मेरे शब्दों को सुनेंगे, अगर आप हाई ग्रोथ रेट वाली इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको डियर कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और अगर आप हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो चूंकि मार्केट बहुत तेजी से फैल रहा है तो उस मार्केट के ही रफ्तार में हमें भी आगे बढ़ना है। तो डियर हम कब आगे बढ़ पाएंगे, जब हम नए आउटलेट्स बनाएंगे, जब हम नई फैक्ट्री बनाएंगे, जब हम नए वर्कर को हायर करेंगे, जब हम नई रिसर्च करेंगे, जब हम नया इनोवेशन करेंगे, और इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो एक बात आपको समझ आई कि हमारे क्वेश्चन मार्क और स्टार प्रोडक्ट्स को हमें इन्वेस्टमेंट करते रहनी पड़ती है। तो सर जी एक बात बताओ, इसका तो मतलब ये हुआ ना कि हमें अपने कैश काउ और डॉग में इन्वेस्टमेंट नहीं करना क्योंकि मार्केट ग्रोथ रेट क्या है, बहुत कम है। बिल्कुल सही बात है डियर, कैश काउ और डॉग बिजनेसेस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता या बहुत मार्जिनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ग्रोथ ही नहीं है। कैश काउ का नाम क्यों पड़ा, समझेंगे, कैश काउ का नाम कैश काउ क्यों पड़ा, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जो कि लार्ज या हाई मार्केट शेयर के साथ लो ग्रोथ इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है। हाई मार्केट शेयर की वजह से हमारे पास अच्छा खासा पैसा आ रहा होता है और चूंकि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट बड़ा लो है इसलिए हमें फर्दर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा आ रहा है, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। इसका मतलब ये हमारे लिए एक ऐसा काउ बन जाता है जो कि हमें पैसा सिर्फ और सिर्फ कमा के दे रहा होता है बिना हमसे कुछ डिमांड किए। आर यू गाइस गेटिंग, तो कैश काउ हमें पैसा जनरेट करके दे रहा होता है और जो पैसा हम कैश काउ से जनरेट कर रहे हैं वो हम कहां लगा देते हैं, स्टार में और क्वेश्चन मार्क में। आई होप आपको बात समझ आई। अब अगेन जिन बच्चों ने इसको डिटेल में पढ़ा है वो कह सकते हैं कि सर क्या क्वेश्चन मार्क में हम हमेशा पैसा लगाते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता, क्वेश्चन मार्क को डियर हम बहुत बार डाइवेस्ट भी कर देते हैं। हम ये कहते हैं यार क्वेश्चन मार्क तुम एक लो मार्केट शेयर के साथ तुम खड़े हो तो क्या पता तुम में पैसा लगाएं, तुम भविष्य में तुम हमें पैसा कमा के दो ना, तो इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना है, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क को डाइवेस्ट भी कर देते हैं। ये तो डियर क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको समझा रहे थे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया डियर, कैश काउ बी। ओके, आगे देखेंगे द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो थोड़ा बहुत आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ना था और बेसिकली तो आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो बच्चे फाउंडेशन से आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, कैन बी कंट्रोल्ड इन द सेम मैनर एज द इंटरनल एनवायरनमेंट। नहीं सर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट आती है, टेक्नोलॉजी आती है, तो क्या आप सरकार को नियंत्रित कर लेंगे? चलें अगर आप सरकार को नियंत्रित कर भी लेंगे तो क्या आप जनसंख्या को नियंत्रित कर लेंगे देश की? नहीं। क्या आप किसी देश की दूसरे देश के साथ जो वॉर हो रही है उसको नियंत्रित कर लेंगे? नहीं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप जनरली कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, आप इसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड इन अ बिग मैनर बाय द मैनेजर्स। ठीक बात है, डज नॉट चेंज ओवर टाइम, ये बात गलत है क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो जाता है, एंड मस्ट बी कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्ड बाय द मैनेजर्स। तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान देंगे डियर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड इन बिग मैनर बाय द मैनेजर्स, ये ऑप्शन भी सही है, और मस्ट बी कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्ड बाय द मैनेजर्स, ये ऑप्शन भी सही है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डियर हमारे मैनेजर्स द्वारा बहुत ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, ये बात सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए सरकार बजट बना रही है तो सरकार क्या बजट को सिर्फ एक कंपनी के लिए बदल देगी? नहीं सर। हाँ, ये एक हकीकत है कि अगर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस देश में करते हैं तो थोड़ा बहुत अगर आप सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं तो सरकार उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली कर दे, बट क्या बहुत बड़े चेंजेस उसमें करेगी सरकार? नहीं करेगी। तो क्या सर हमें क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, अगर आपको अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो मस्ट बी कॉन्टिन्यू मॉनिटर्ड बाय द मैनेजर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही है, हम इसमें कोई एक चूज नहीं कर सकते, बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने बी लिखा, बी इज ऑल्सो 100% करेक्ट, और अगर आपने डी लिखा है, डी इज ऑल्सो 100% करेक्ट। आपको दोनों में से जो भी आप लिखेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, आगे देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डू मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस ओके एट देयर वेरी इनिशियल स्टेज फॉलो। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, बिजनेसेस एट द वेरी इनिशियल स्टेज, मतलब जो बिजनेस अपने बहुत शुरुआती दौर में होते हैं वो बिजनेस बड़े बिजनेस होते हैं या छोटे बिजनेस होते हैं? सर जी छोटे बिजनेस होते हैं। गूगल कंपनी आज दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनी है, बट डियर ये एक रूम में स्टार्ट हुई थी, मीन्स एक रूम जितने एरिया में स्टार्ट हुई थी। एच पी
वो भी शायद एक मतलब गैराज में शुरू हुई थी, मतलब जहाँ तक लोग कहते हैं डेल जैसी इतनी बड़ी कंपनी वो भी शायद किसी गैराज में शुरू हुई थी, एप्पल जैसी कंपनी एक छोटे से कमरे में स्टार्ट हुई थी। तो ये जितनी भी आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये अपने इनिशियल स्टेज में क्या रही होंगी, बहुत छोटी कंपनीज रही होंगी। और डियर जो कंपनीज बहुत छोटी कंपनीज होती हैं वो स्टार्टिंग में डिविजनल फॉलो नहीं करती। डिविजन तो आप तब बनाते हैं ना जब आप अपने साइज को जब आपका साइज बड़ा बनने लगे तब आप डिविजन में जाते हैं। फंक्शनल ओके, इसको हम होल्ड करते हैं। आवर ग्लास नहीं, मैट्रिक्स भी नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब ये होता है कि आपने जब एक बहुत बेसिक कंपनी बनाई है, लेट से आपने एक बहुत इनिशियल स्टेज में आपने कोई कंपनी शुरू की है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दो तीन लोगों को हायर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मिस्टर ए तुम प्रोडक्शन का काम देखो, मिस्टर बी तुम मार्केटिंग का काम देखो, मिस्टर सी तुम फाइनेंस का काम देखो, और मैं कंपनी का सीईओ बन गया, कहानी खत्म। मींस आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जहां पे आपने कंपनी के काम को कंपनी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उसके बेसिस पे लोगों में डिवाइड कर दिया। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। सो आई होप आपको बात समझ आई। हाँ, जैसे जैसे कंपनी बड़ी बनती जाएगी वो फंक्शनल से कहाँ चली जाएगी? डिविजनल की तरफ। अगर ये कंपनी आईटी सेक्टर में काम कर रही है, मेरी बात पर ध्यान देंगे, अगर ये कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी है तो क्या पता इसे आवर ग्लास की तरफ जाना पड़े। और अगर कंपनी किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रही है जो बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड है, जो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो कंपनी को हो सकता है मैट्रिक्स फॉलो करना पड़े। आई होप आपको बात समझ आई, इसके डिटेल में नहीं जा रही। ओके, आगे देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन। नहीं सर, टर्न अराउंड क्या होता है? रिट्रेचमेंट का काम करता है। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरनल रिट्रेचमेंट, बिल्कुल सही बात है। थ्रू टर्न अराउंड ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन वेज टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, बिल्कुल सही बात है। टर्न अराउंड के थ्रू हम क्या करते हैं कि भाई हम जो तेजी से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम अपने आप को रोकें और हम दोबारा से कहाँ जाएं, दोबारा से हम ग्रोथ की तरफ बढ़ें। ठीक बात है। ओवर स्टाफिंग एंड लो एम्प्लॉय मोरल आर फ्यू साइंस दैट शो एंटिटी शुड गो फॉर लिक्विडेशन। नहीं सर, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर हमारी कंपनी में ओवर स्टाफिंग है, मतलब हमारे पास जरूरत से ज़्यादा इंप्लॉयज़ हैं, या अगर हमारे कंपनी के इंप्लॉयज़ का जो मोरल है वो लो हो गया, तो क्या मुझे कंपनी लिक्विडेट करके घर चले जाना चाहिए? नहीं सर, अगर इंप्लॉयज़ की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है तो भाई जो एक्स्ट्रा इंप्लॉयज़ हैं उनको VRS दे के, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम दे के निकाल दो कंपनी से, कहानी खत्म, कंपनी क्यों बंद कर रहे हो? अगर आपके एम्प्लॉय का मोरल डाउन हो गया तो क्या एम्प्लॉय का मोरल डाउन हो गया तो मैं कंपनी बंद कर दूं, मैं कंपनी लिक्विडेट कर दूं? नहीं, मैं कोशिश करूं इस बात को जानने की कि भाई अगर एम्प्लॉय का मोरल डाउन हो गया तो क्यों डाउन हो गया। मुझे पता चला कि मैनेजर नालायक है, मैनेजर अपनी अय्याशियों में लगा रहता है, इंप्लॉयज़ पे ध्यान ही नहीं देता, तो मुझे कंपनी बंद करनी चाहिए या मुझे उस मैनेजर को बाहर निकाल देना चाहिए? सर जी, मैनेजर को बाहर निकाल दो, कंपनी क्यों बंद करते हो? प्लीज़ मेरी बात पर ध्यान देंगे। तो डियर, ओवर स्टाफिंग और लो एम्प्लॉय जो मोरल है ये हमें ये नहीं कहता कि आपको लिक्विडेशन की तरफ चले जाना चाहिए। हाँ, ये हमें ज़रूर ये बात कहता है कि भाई आपकी कंपनी में हालात अच्छे नहीं है तो उस कंपनी में हालात पे ध्यान दो, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं सीधा कहाँ चले जाऊँ, लिक्विडेशन में चला जाऊँ। आई होप आपको बात समझ आई। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो 4 है ये गलत है। ओके, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 सही है और 3 सही है, नहीं सॉरी 2 सही, मतलब 2 सही है और 3 सही है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लिखा उनको बहुत बहुत बधाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बेसिकली स्ट्रेटजी एंड प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज बेसिकली। ओके, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेते डियर। आपको पता है डियर कि कंपनी के 3 मेन लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल और मिडिल लेवल और नीचे फिर आपका ऑपरेशनल या फिर फंक्शनल लेवल। टॉप लेवल पे जो स्ट्रेटजी बनती है उसको हम कहते हैं डियर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, जैसे एक्विजिशन करना, मर्जर करना, बड़े बड़े काम। मिडिल लेवल पे जो स्ट्रेटजी बनती है कहलाती है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल पे हमें क्या करना चाहिए? हमें कॉस्ट लीडरशिप करनी चाहिए, डिफरेंशिएशन, सो ऑन सो फॉर। और फाइनली इन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए हम फंक्शनल लेवल पे क्या करते हैं? अब मान लीजिए कि हमने टॉप लेवल और हमने बिजनेस लेवल पे स्ट्रेटजी तो बना दी, बट सर जी स्ट्रेटजी बना देने से काम थोड़ा ना चलेगा। उसके लिए आपने जो स्ट्रेटजी बनाई उस हिसाब से आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फाइनेंस देखना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, R&D करना पड़ेगा, एक्सेट्रा। तो ये आपके एक फंक्शन किसी, ये आपके फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज का पार्ट होती है। मतलब हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी किसका पार्ट है? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। और हमारी प्रोडक्शन स्ट्रेटजी भी किसका पार्ट है? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फंक्शनल, ये नहीं। हाँ चलो सी, सो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। हमारा जो हम जो
मार्केटिंग करेंगे डियर, ये मार्केटिंग भी हमारे किसी पर्टिकुलर यूनिट का, किसी पर्टिकुलर डिवीजन के फंक्शन का पार्ट है, और जो हम प्रोडक्शन करेंगे वो भी उसके फंक्शन के एस्पेक्ट का पार्ट है। ठीक बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, गिवन बिलो आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूट ने आपको बताया है कि भाई स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में तीन मुख्य काम होते हैं। पहला होता है फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन, और फाइनली उसका इवेल्युएशन एंड उसका कंट्रोल। तो हमें किस पे फोकस करना है, स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। ध्यान देंगे, स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद नीडेड स्किल्स। ओके, मुझे बताएं क्या स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सर जी, तो क्या स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने के लिए हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी? मैं कहता हूं नहीं पड़ेगी। रीजन क्या, मुझे बताएंगे, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए हमें स्ट्रेटजी बनानी है तो क्या हमें रिलायंस के 50,000 एम्प्लॉयज़ को बुलाना पड़ेगा, या मुकेश अंबानी जी अपने 3-4 खास लोगों के साथ, बड़े ऑफिसर के साथ एसी कमरे में बैठेंगे, 2-3 घंटे बैठे या 2-3 दिन बैठे और स्ट्रेटजी बना दी, कहानी ख़त्म। पर जो स्ट्रेटजी आपने बनाई, लेट्स से आपने स्ट्रेटजी बनाई कि हमें जियो इंट्रोड्यूस करना है, उस जियो को चलाने के लिए तो आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट है ना। तो सर, जब आपने जियो की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की तब आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर जब आप जियो की स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करोगे यूनिट स्टाफ, क्या मेरी बात से कोई एग्री करेगा? ओके, अब मुझे एक बात सोच के बताएंगे, जियो, अगर आपको जियो चलाना है तो क्या टावर बनाने पड़ेंगे? हाँ सर। क्या नए ऑफिसेस, नए आउटलेट्स खोलने पड़ेंगे? हाँ सर। उसके लिए पैसा चाहिए? हाँ सर। और उस पैसे के लिए क्या आपको, उस रिसोर्स के लिए क्या आपको बजट्स डेवलप करना पड़ेगा कि भाई रिलायंस का जो हेड ऑफिस है वो कितना पैसा टावर के लिए एलोकेट करता है, कितना पैसा नए आउटलेट्स के लिए मतलब एलोकेट करता है? मीन्स हमने क्या शुरू कर दिया, बजट डेवलप करना शुरू कर दिया, ताकि हमें जो भी रिसोर्स चाहिए वो हमें रिसोर्स मिल जाए। तो डियर, आपको बजट या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट आपको फॉर्मुलेशन के दौरान ऐसा सच नहीं होती। फॉर्मुलेशन के लिए हमें क्या रिसोर्स चाहिए? एक हमें कलम चाहिए होता है, एक हमें पेज चाहिए होता है। कलम और पेज लिया, या फिर एक रजिस्टर लिया 5 रुपये का, स्ट्रेटजी बना दी। पर सर जी, जो आपने स्ट्रेटजी 5 रुपये के रजिस्टर में बना दी, उसे जब एग्जीक्यूट करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लग सकता है। सो यू नीड रिसोर्सेस, तो आपको क्या चाहिए, बजट डेवलप करना पड़ेगा। क्या मेरी बात से कोई एग्री करेगा? तो सर जी, हमें पहला पॉइंट भी हमारा करेक्ट है स्टडी एग्जीक्यूशन के बारे में, और हमारा दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा देखेंगे, डेवलपिंग विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, जब मैं स्ट्रेटजी बना चुका हूं और जब उसे एग्जीक्यूट करने जाऊंगा, तब मैं विजन देखूं कि भाई हमारा विजन क्या था। कि जब मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूं, उस स्ट्रेटजी को बनाने से पहले ही मुझे अपना विजन देखना पड़ेगा। सर जी, बात समझिए, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। दो ऑप्शन मैं आपको देता हूं, आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन कि मैंने स्ट्रेटजी बना दी, मीन्स मैंने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर ली, अब उसे एग्जीक्यूट करने का समय आया तो मैंने अपना विजन देखा कि भाई मेरा विजन क्या कहता था। या सेकेंड ऑप्शन, जब मैं स्ट्रेटजी बनाऊं, उसके पहले, उस स्ट्रेटजी को बनाने से पहले मुझे अपना विजन चेक करना है कि क्या मैं अपना विजन अचीव कर पाऊंगा कि नहीं। उस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, पहला या दूसरा? सर जी, बट ऑब्वियस सी बात है, क्या पहला? नहीं, दूसरा। अरे भाई, विजन जो होता है, उस विजन को आप अचीव करना चाहते हो ना। हाँ, तो विजन को अचीव करने के लिए क्या मैं IPL देखना शुरू कर दूँ? नहीं सर, कैसी बातें करते हो। मतलब विजन को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। मीन्स जब मैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करूंगा, उस स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने से पहले मुझे अपना विजन देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वही स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करूंगा जो अल्टीमेटली मुझे मेरा विजन अचीव करके देगी। क्या मेरी बात से कोई एग्री करेगा? आई विल फॉर्मुलेट ओनली दोज स्ट्रेटजीज विच विल हेल्प मी इन अचीविंग माई स्ट्रेटेजिक विजन, माई स्ट्रेटेजिक मिशन। क्या मेरी बात किसी को समझ आई? जब मैंने विजन और मिशन के बेसिस पे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर ली, तो जब मैं उसे एग्जीक्यूट करने जाऊंगा तो मुझे विजन मिशन नहीं देखना, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं एट दी फॉर्मुलेशन स्टेज। मेरी बात पर ध्यान दें, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने, बहुत ध्यान से। चलें एग्जाम्पल लेते हैं, अब जो समय लगेगा। मान लीजिए रिलायंस का विजन ये कहता है कि हमें 2030 तक भारत में नंबर वन टेलीकॉम प्लेयर बनना है, लेट्स सी, हमारा विजन कहता है। और रिलायंस ने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की कि हमें नई कार की फैक्ट्री लगानी है। ये हमारी स्ट्रेटजी उन्होंने फॉर्मुलेट कर ली कि एक नई कार की फैक्ट्री कैसे बनाएंगे। तो क्या ये स्ट्रेटजी जो है वो हमें हमारा विजन अचीव करके देगी? नहीं सर। इसलिए समझदार लोगों ने क्या कहा कि भाई, जब स्ट्रेटजी बनाओगे, जब फॉर्मुलेट करोगे, उसके पहले क्या देख लेना, विजन देख लेना। बट लेट्स से रिलायंस ने नहीं किया, कहा कि सर जी हमारे पास बहुत पैसा, हमें क्या करना। उन्होंने विजन क्या देखा था कि हमें 2030 तक, बाय 2030 वी वांट टू बिकम द नंबर वन टेलीकॉम प्लेयर इन इंडिया।
बट उन्होंने स्ट्रेटेजी किस चीज़ की फॉर्मुलेट की कि हमें एक नई कार की फैक्ट्री कहाँ लगानी। अब लेट से ये नए कार की फैक्ट्री वाली स्ट्रेटेजी बन गई, क्योंकि मेरे पास कोई पेज भी नहीं है, नहीं तो मैं चले मान लीजिए पेज है, ये नए कार की फैक्ट्री की स्ट्रेटेजी है जो मैंने फॉर्मुलेट कर ली। अब जब इम्प्लीमेंट करने जाऊँगा तो मैं विजन चेक करूँ क्या कोई समझदारी है। लेट से मैंने विजन पढ़ा, उसमें तो लिखा हुआ है कि मुझे नंबर वन टेलीकॉम प्लेयर बनना है, और मैं स्ट्रेटेजी किस चीज़ की बना चुका हूँ अब मुझे कि मुझे कार की फैक्ट्री लगानी है, क्या दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया सर जी? आ गया। तो समझदार व्यक्ति बन के मुझे क्या करना चाहिए था, फॉर्मुलेशन के पहले ही अपना विजन पढ़ लेना चाहिए था। क्या मेरी बात किसी को समझ आई? तो डियर, ये जो डेवलपिंग विजन एंड मिशन स्टेटमेंट जो है, मतलब अपना विजन और मिशन जो है, ये मैं कहाँ दिखूंगा? एग्जीक्यूट करने से पहले नहीं, फॉर्मुलेट करने से पहले। सो द थर्ड पॉइंट इज इनकरेक्ट। ओके, क्रिएटिंग अ सुटेबल वर्क क्लाइमेट। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर अपनी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करनी है डियर, तो क्या आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट है? हाँ सर। तो स्टाफ को रिक्वायरमेंट, अगर आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो क्या उस स्टाफ को काम करने के लिए एक सुटेबल क्लाइमेट होना चाहिए जहाँ पे स्टाफ आपका आराम से सही प्रकार से काम कर सके? हाँ सर। आप अपने ऑफिस में, जो बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में कैसे काम करते हो? बिजली, पानी, बत्ती सब कुछ रहती है। शाम को आपको हो सकता है कि टी कॉफ़ी की आदत हो सकता है कि कभी कभी आप बाहर बर्गर किंग और मतलब नेरुलाज में एक्सेट्रा आप जाके खाना खाते हो। तो सर जी, हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, बिकॉज जब तक हमारे पास एक सूटेबल वर्क क्लाइमेट नहीं होगा, हम अपना काम कैसे करेंगे? इसी तरीके से हमारे वर्कर्स किसी भी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे जब तक उनके पास एक सूटेबल वर्क क्लाइमेट नहीं है? तो ये बात भी सही है। मीन्स सिंपल सी बात, ज़्यादा समय क्यों लें, मीन्स क्या क्या हमारे पास सही ऑप्शन है? पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, और फोर्थ भी सही है। नहीं नहीं ओके, ये तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो आई होप आपने भी सी आंसर लिखा होगा। तो हमारा ये पेपर कंप्लीट हो गया, तो कृपया आप बच्चे इसे मैच कर लें, और कितने मार्क्स आए आपके, जेन्युइनली आपके कितने मार्क्स आए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। तो फिर डियर, इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी इनक्रेज करें जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं मई 2019 में सीए इंटर के या सीए आईपीसी के, कि वो हमारे मॉक टेस्ट पेपर को ज्वाइन करें एमसीक्यू वाले। तो फिर इस वाली वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।